ये आज हमारे साथ एक और पेशेंट हैं, आइए चलो इनसे पूछते हैं इनको क्या तकलीफ़ थी, कितने टाइम से थी और अब इनकी क्या कंडीशन है। हाँ जी, क्या नाम आपका? शबाना परवीन। शबाना देवी? शबाना परवीन। अच्छा जी, तो आपको क्या दिक्कत थी जी? मेरे पैरालाइज की दिक्कत थी। अच्छा। सर में दर्द था, नसों की दिक्कत थी बहुत ज़्यादा। होता क्या था वैसे नसों से आपको? सिर में दर्द? सर में दर्द था, पूरे शरीर में दर्द था मेरे, काम नहीं होता था बिल्कुल भी। कितने टाइम से थी आपको ये? ये हो गए मुझे 8-10 साल। 8-10 साल? 8-10 साल से इनको प्रॉब्लम थी, सिर में दर्द था, दर्द इनका हाथों में भी जा रहा था और माइग्रेन की भी समस्या थी इनको। तो आपने इसके लिए इलाज लिया जी कहीं से? हाँ जी, काफ़ी इलाज लिया। क्या क्या इलाज लिया कुछ बताओ। जिंदल में दिखाया डॉक्टर के, बालाजी में, गुलाटी में, और रोहतक में दिखाया था। रोहतक पीजीआई में? तो नहीं, वैसे ही। अच्छा, वैसे रोहतक कोई हॉस्पिटल? हाँ जी, नसों के डॉक्टर थे उनके यहाँ दिखाया था। तो आपको कितना आराम रहता था जब दवाइयाँ लेते थे आप? बस थोड़ा बहुत ही आराम रहता था, कोई आराम नहीं लगा मुझे। दवाइयाँ बीच बीच में छोड़ देते थे आप? हाँ जी, कंटिन्यू कर लेते थे। तो 10-15 साल से ना लगातार ये दवाइयाँ खा रहे थे। थायराइड की इनको समस्या थी, हाथों में भी इनको पेन था, सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी और इसके अलावा इनको मोटापा और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको हार्मोनल डिस्टर्बेंस थे, इनके डिस्टर्ब थे और इस टाइप की इनको समस्याएं थी। हमारे पास आए थे पिछले 4 दिन तो इन्होंने कंटिन्यू सीटिंग ली थी, उसके बाद ये 1 हफ्ता गैप करके और उसके बाद ये 5 दिन का गैप करके अभी आए हैं हमारे पास। तो हमारे इलाज से आपको कितना आराम है जी? बहुत आराम है मुझे। अभी दर्द है आपको सिर में? नहीं जी, मेरे किसी शरीर में दर्द नहीं है। अच्छा, बॉडी में कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। एनर्जी फील कर रहे हैं? हाँ जी। दवाइयाँ ले रहे हो अभी आप? ना, बिल्कुल दवाई नहीं ले रही हूँ, सभी दवाई छोड़ दी है और काम भी सभी करती हैं। ये सारा बता रहे हैं पेशेंट, सारा काम कर लेते हैं सभी, इन्होंने दवाइयाँ छोड़ दी है। हमारे पास ये 4 दिन पहले, चार सीटिंग पहले लेके आए गए थे, उसके बाद अब ये दूसरी बार हमारे पास आए हैं। तो पेशेंट को देखो आप, कितना रिलीफ है हमारे यहाँ। हम 3 से 4 प्रकार की यहाँ थेरेपियाँ देते हैं, उसके बाद पेशेंट है ना बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती। तो आपको हमने यहाँ को एक गोली दवाई इंजेक्शन कुछ दिया था? कुछ नहीं दिया। तो देखिए, हम यहाँ बिल्कुल नेचुरल ट्रीटमेंट देते हैं, किसी प्रकार की दवाई नहीं, कोई गोली नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं। और पेशेंट यहाँ हमारे ट्रीटमेंट के बाद 15-20 मिनट का टाइम लगता है, उसके बाद घर जा सकते हैं। कोई एडमिट नहीं, कोई किसी प्रकार की जांच नहीं करवाते हम किसी भी टाइप की, कोई एक्सरे MRI कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस टाइप की अगर किसी को भी कोई समस्या है तो आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं हमारे सेंटर पे आके। अब मैं थोड़ा सा ट्रीटमेंट के बारे में बताना चाहूँगा। कई पेशेंट या कई है ना पूछते हैं फ़ोन पे कि आप कैसे ट्रीट करते हो कैसे नहीं। हम सबसे पहले तो स्पाइन को है ना, स्पाइन में हमारी जितनी नर्व्स है हमारी, वो सारी स्पाइन से कनेक्टेड है ये स्पाइन पे। इसको मैनुअली मोबिलाइज करते हैं, इसको मैनुअली मोबिलाइज करके इसके सारे स्ट्रेसेस को दूर करते हैं, जो रुकावट उसको दूर करते हैं। उसके बाद हम एक्यूप्रेशर के बहुत सारे बॉडी पे पॉइंट हैं उनको प्रेस करके और शरीर के अंदर जो वाइटल एनर्जी है उसको इंक्रीज करते हैं, और बॉडी में कहीं भी कोई एनर्जी कहीं स्ट्रेसेस हो रखी है तो उसको हम है ना एक्यूप्रेशर और एक्यूपंचर से उसको इंक्रीज करते हैं, जिससे कि बॉडी के अंदर एनर्जी सारी सर्कुलेट होने लग जाती है। और जो एक नेचर ने हमें बॉडी में हीलिंग पावर दी है तो उसको हेल्प होती है उससे, जो हमारी बॉडी है ना, फिर उसको कोई भी समस्या हो हमारी बॉडी के अंदर, वो हमारी हीलिंग सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद उसको खुद ब खुद उसको ठीक कर देता है। तो इस प्रिंसिपल पे हमारी थेरेपीज काम करती है और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं जैसे पेशेंट बता रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पेशेंटों के आप हमारे YouTube चैनल पे देखोगे
तो काफ़ी पेशेंट आपको ऐसे मिल जाएंगे जो बताते हैं कि हमें जी 3-4 दिन में, किसी को 5 दिन में, किसी को 10 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती। बस थोड़ा सा ये रहता है कि अगर आप घर पे वो सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, तो आगे भी आपको दर्द ये आता नहीं है। लेकिन कई पेशेंट है ना फॉलो नहीं करते, 3-4 दिन में यहाँ ट्रीटमेंट लेके घर पे एक्सरसाइज नहीं करते। थोड़ा बहुत हम फूड का कुछ बताते हैं कि आपने क्या खाना है, कैसे रहना है, वो सारी चीज़ें थोड़ी सी फॉलो कर लेंगे तो बिल्कुल ईजी है, कोई समस्या नहीं है किसी प्रकार की। थैंक यू वेरी मच।